हमेशा जवान रहना हर इंसान चाहता है, लेकिन इसके लिए बहुत कम लोग प्रयास करते हैं। दरअसल हमेशा जवान बने रहना चाहे सबका ख्वाब हो, पर इस सपने को साकार करने के लिए आयुर्वेद के अनुसार जिन नियमों का पालन करना होता है उन्हें हम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हीं नियमों के बारे में जिनका पालन करते हुए हम हमेशा स्वस्थ रहे और जवान बने रहे। और इसके लिए सबसे जरूरी है हमारा आहार। हमारा आहार लाइफ स्पैन को बढ़ाने और लंबे समय तक सुंदर जवान त्वचा बनाए रखने में हमारी मदद करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। चमकती त्वचा के लिए आहार की बात करें तो हरे पत्तीदार सब्जियां सबसे पहले आती है। एंटीऑक्सीडेंट और आवश्यक विटामिन से भरपूर हरी पत्तीदार सब्जियां जैसे पालक, मूली के पत्ते, सरसों का साग, धनिया या ब्रोकोली आदि आपको बेजान त्वचा से राहत दिलाकर आपकी त्वचा पर निखार लाते हैं। आप इन सब्जियों को सलाद, सूप, सैंडविच या दाल आदि में भी डालकर सेवन कर सकते हैं। वाटर। पानी पीना ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए बल्कि आपकी त्वचा के लिए भी लाभकारी है। जब आप पूरे दिन में खूब सारा पानी पीते हैं तो आप हाइड्रेटेड रहते हैं, जिसका प्रभाव आपके चेहरे पर नजर आता है। पानी ना सिर्फ आपके शरीर के गंदे पदार्थों को बाहर निकालता है बल्कि आपके चेहरे पर झुर्रियां होने से भी बचाता है। साथ ही ये आपके त्वचा में चमक लाता है। आप हर वक्त अपने पास पानी की बोतल रखें और जब भी आपको सोडा वाले पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करे तो उनकी जगह पानी पी लें। टर्मरिक। हल्दी आपके शरीर के अंदर और बाहर हानिकारक बैक्टीरिया को मारते हैं। हल्दी में मौजूद मुख्य फाइटोन्यूट्रिएंट क्यूक्यूरमिक एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। आप सुबह के वक्त सबसे पहले कच्ची हल्दी का सेवन कर सकते हैं या फिर आप रात को सोने से पहले एक ग्लास में गर्म दूध में हल्दी मिक्स करके पी सकते हैं। आपको एक हफ्ते के अंदर फर्क नजर आने लगेगा। आप हल्दी को सब्जी, सलाद या जूस आदि में भी मिलाकर ले सकते हैं। एवोकाडो। एवोकाडो त्वचा के लिए उत्तम खाने का पदार्थ है। ये विटामिन ई और स्वस्थ फैट से भरपूर होता है। स्वस्थ फैट सूजन को कम करता है और विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एवोकाडो त्वचा के नुकसान को कम करने में मदद करता है, नमी को रोकता है और वक्त से पहले झुर्रियों, मुहासे और बेजान त्वचा को रोकने में मदद करता है। आप एवोकाडो को नाश्ते के दौरान या फिर सैंडविच और सलाद के साथ सेवन कर सकते हैं। एलोवेरा। त्वचा की समस्याओं को दूर करने के लिए एलोवेरा सबसे लोकप्रिय घरेलू उपाय है। इसमें ऑक्सीजन और गिबरेलिन नमक हार्मोन्स होते हैं जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। इसीलिए जब आप एलोवेरा लगाते हैं और इसका जूस पीते हैं या फिर इसे सप्लीमेंट की तरह सेवन करते हैं तो ये किसी भी तरह की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। ध्यान रहे कि कभी सीधा एलोवेरा के पत्ते से निकालकर जेल का सेवन ना करें, यह हानिकारक साबित हो सकता है। फ्रूट्स। फ्रूट्स विटामिन, मिनरल्स और फ्रूट शुगर से भरपूर होते हैं। मीठे फल बार बार भूख लगने की लत को कम करते हैं। इस कारण जंक फूड खाने की आदत कम हो सकती है। इसीलिए फलों का सेवन करके आप अपने त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और त्वचा में चमक बढ़ा सकते हैं। कैरेट्स। गाजर में बेटा कैरोटीन, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट के उच्च स्तर होते हैं। ये हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालकर आपकी त्वचा को अंदर से स्वस्थ बनाते हैं। ये आपकी त्वचा को सूरज से होने वाली नुकसान से बचाते हैं और समय से पहले चेहरे पर आने वाले झुर्रियों को रोकते हैं। फिश एंड फिश ऑयल्स। मछली और मछली का तेल ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। इसके सेवन से त्वचा में नेचुरल मॉइस्चराइजर बरकरार रहता है जो सूजन, मुहासे, फटी त्वचा को कम करने में मदद करता है। त्वचा को स्वस्थ और मुलायम बनाए रखने के लिए आप फैट फ्री मछली जैसे टूना, सैल्मन, कार्प या फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स का सेवन कर सकते हैं। ग्रीन टी। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट का नेचुरल सोर्स है। चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हानिकारक फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने में मदद करते हैं, जिससे आपकी त्वचा समय से पहले बूढ़ी, काली धब्बों का शिकार होने से बच जाती है। ग्रीन टी मुहासे पैदा करने वाले हार्मोन के लेवल को भी कम करने में मदद करते हैं, जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ और दमकती नजर आती है। कर्ड। दही और छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो डाइजेशन और बोवल मूवमेंट्स में मदद करते हैं। जब आपकी पाचन शक्ति सही होती है तो आपकी त्वचा से जुड़ी परेशानियां जैसे कील, मुहासे, दाग धब्बे या किसी भी तरह के संक्रमण का खतरा भी कम कर रहता है। प्रतिदिन दोपहर के भोजन के बाद रात में खाने के साथ या स्मूदी में दही का सेवन कर सकते हैं।
तो ये थी कुछ 10 फूड के बारे में जिनके सेवन से आप अपनी त्वचा पे निखार पा सकते हैं और खुद को जल्दी बूढ़े होने से भी रोक सकते हैं। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।